हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कोट्स एंड इवेंट्स दैट चेंज्ड माय लाइफ। इस सीरीज के लास्ट टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में मेरी दो फ्रेंड स्वीटी और प्राची की एनालॉजी के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था आपको प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्ट जिसका क्रिएशन दूसरे लोग अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, और मैन्युफैक्चरर हु इज द क्रिएटर ऑफ हिज और हर ओन डेस्टिनी, लाइफ एंड चॉइसेस। इस प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरर की जर्नी का फाउंडेशन स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट। सो लेट्स लर्न टुडे द साइंटिफिक मेथड ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में डेली फॉलो करती हूँ। जिग जिगलर ने कहा था, पीपल ऑफन कंप्लेन अबाउट लैक ऑफ टाइम व्हेन लैक ऑफ डायरेक्शन इज द मेन प्रॉब्लम। जी हाँ स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट के दो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, वेयर एंड हाउ। वेयर यानी आपको कहाँ जाना है, एंड हाउ यानी आप वहां कैसे पहुंचेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप नंबर वन, एंड इट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बिना टाइम मैनेजमेंट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना एड्रेस के लेटर पोस्ट कर दे, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। गोल सेटिंग के लिए जरूरी है हमारे माइंड की कंडीशनिंग होना। मैं आपको एक ऐसी टिप बताती हूँ जो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, एंड इट विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग। मैं अपने नेक्स्ट डे के पूरे वर्क को कैटेगराइज करती हूँ MCD। नाउ व्हाट इज दिस MCD? मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट में। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। स्टूडेंट्स, देयर इज अ फेमस कोट, इट इज नॉट इनफ टू बी बिजी, इट इज इम्पॉर्टेंट वेयर यू आर बिजी और वॉट यू आर बिजी अबाउट। एक दिन पहले नेक्स्ट डे की MCD लिस्ट हर स्टूडेंट को प्रिपेयर करनी है। नाउ स्टेप नंबर टू, टाइम ब्लॉकिंग और डे थीम। ये एक ऐसी हैबिट है व्हिच हैज रियली हेल्प मी इन माय टाइम मैनेजमेंट। ये हैबिट मैंने सीखी इलॉन मस्क से, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड लीडर्स इन टुडेस टाइम। स्टूडेंट्स, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है अपने पूरे दिन के शेड्यूल को टाइम स्लॉट्स में बुक कर देना या ब्लॉक कर देना, और उस टाइम में सिर्फ वही एक्टिविटी को डेडिकेटेडली परफॉर्म करना। अगर वो बड़ा टास्क है तो आप उसे स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग के दो एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। एग्जांपल नंबर वन, इलॉन मस्क। वो अपने पूरे डे शेड्यूल को 5-5 मिनट्स के टाइम स्लॉट्स में बुक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, उनकी हर मीटिंग 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलती। 3 मिनट्स में डिस्कशन और 2 मिनट्स में डिसीजन। इतना फोकस्ड, इतना स्ट्रैटेजिक उनका पूरा टाइम मैनेजमेंट होता है। आप अपने टाइम स्लॉट्स को 1 आवर या 2 आवर के स्लॉट्स में बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, मैं जो इस समय आपसे बात कर रही हूँ, आज का टाइम मैंने ये वाला टाइम ब्लॉक किया हुआ था आपके लिए इस वीडियो को बनाने, बट Because of some circumstances, I had to travel. और ये देखिए, अपनी MCD list को complete करने के लिए, अपने time block को follow करने के लिए, ये video मैं अपनी journey में आपके साथ share कर रही हूँ। Step number 3, identify करिए day का वो time जिस समय आप most active रहते हैं। किसी के लिए वो early morning हो सकता है, किसी के लिए late night या किसी के लिए evening। इस समय पर कोशिश करिए कि अपनी मस्ट डू एक्टिविटीज को आप कंप्लीट कर लें। स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शंस एंड एलिमिनेट द टाइम वेस्टर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम लाइज नॉट इन लैक ऑफ टाइम बट इन वेस्ट ऑफ टाइम। आज ये लिस्ट बनाइए उन सारी एक्टिविटीज की जहां पर आप अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं। हर मोमेंट देखते रहो कि कहीं मैं किसी दूसरे के एंटरटेनमेंट का, बेनिफिट का प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा हूं। इन एक्टिविटीज को, ये एक्टिविटीज दीज आर लाइक एडिक्शंस, इन एक्टिविटीज को ग्रेजुअल विड्रॉल के थ्रू रिमूव करिए। अपने पूरे दिन में इनके लिए 2 स्लॉट्स बुक करिए 15-15 मिनट्स के, और उनमें इन एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग D&D एंड एयरप्लेन मोड ऑन योर मोबाइल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिन में 1 आवर रखिए जब नो फोन नो कॉलिंग जोन में आप जाएंगे। स्टेप नंबर 6, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस पूरे प्रोग्रामिंग का,
बिफोर एंडिंग योर डे. दिस इज कॉल्ड टारगेट एनालिसिस और टारगेट रिव्यू. बिफोर एंडिंग योर डे एनालाइज करिए, जज करिए कि आपकी एमसीडी लिस्ट में से आपने क्या अचीव किया, विच इज नॉन अचीव्ड एंड विच इज अचीवेबल. अचीवेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये वो टास्क थे जो अगर आप थोड़ा और बेटर टाइम मैनेजमेंट करते, टाइम ब्लॉकिंग फॉलो करते, तो आप आज ही से कंप्लीट कर लेते. ये आपको बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट डे की गोल सेटिंग्स में माइंड फोकस रखने में. स्टूडेंट्स, किसी भी हैबिट को सुनना बहुत इजी है, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, उसे फॉलो करने में एफर्ट्स लगते हैं जो आपके लगेंगे. लेकिन सबसे मुश्किल होता है उसे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना, ताकि वो आपके कैरेक्टर का एक पार्ट बन जाए. इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म टाइम मैनेजमेंट हैबिट को सस्टेन कर सकते हैं. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, प्लीज डोंट से दैट यू डोंट हैव इनफ टाइम, बिकॉज यू हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे एज एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड हैज. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.